हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज दोस्तों मैं लेके आ गया ग्लिसरीन। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अगर हम ग्लिसरीन के अंदर फेविक्विक को मिला दें दोस्तों तो क्या होगा और ये दोनों मिक्स होकर कैसा रिएक्शन करता है। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं और यही जानने वाले हैं कि अगर हम ग्लिसरीन के अंदर फेविक्विक को मिला देंगे तो ये कैसा दोनों मिक्स होकर कैसा रिएक्शन करता है और हमें क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो है बड़ा फेविक्विक है जो कि 20 ग्राम का है। तो सबसे पहले तो हम ये छोटे फेविक्विक को डाल के देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इस बड़े फेविक्विक को भी इस जो है ग्लिसरीन के अंदर डाल के देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि दोनों मिक्स होकर कैसा रिएक्शन करता है। आप इस कमाल की आइडिया के लिए नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस करना है। तो फिर चलिए दोस्तों इस धमाकेदार और कमाल के एक्सपेरिमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम जो है एक गिलास में ग्लिसरीन को निकाल लेते हैं ताकि इसमें जब डालेंगे तो हमें रिएक्शन देखने में जो है आसानी होगा और अच्छे से दिखेगा। तो इस ग्लिसरीन के डब्बे को इसमें मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। देख सकते हैं पूरा जेल जैसा आपको लगेगा कि जेल है। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है ग्लिसरीन का को डाल लिया इस गिलास में। अब चलिए इसके अंदर डायरेक्ट जो है फेविक्विक को डालते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं कि कैसा रिएक्शन करता है दोनों मिलकर। जो भी होगा दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा जिसमें आपने ग्लिसरीन वर्सेज जो है फेविक्विक को देखा होगा। तो चलिए जल्दी से इसमें फेविक्विक को डालते हैं। सबसे पहले इस छोटे पैकेट को डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों ये जो 20 ग्राम का डब्बा है इसको भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको फाड़ के इसको डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसा रिएक्शन ये करता है। तो चलिए दोस्तों इसमें जो ये छोटा सा फेविक्विक को डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा रिएक्शन करता है। भाई थोड़ा जूम करो। यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा मिल जा रहा है इसमें। तो दोस्तों इतना छोटा सा डाला इसमें तो कुछ तो पता भी नहीं चल रहा है। तो चलिए इसमें बड़ा वाला ही डाल देते हैं डायरेक्ट और फिर देखते हैं कि कैसा रिएक्शन करता है, कुछ होता या नहीं होता, या सिंपल सा यही जो है हम लोग को ऐसा ही जेल टाइप का देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसको जो है 20 ग्राम वाला है इसको डालते हैं और फिर देखते हैं, जो भी होगा बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इस डंटे के साथ हम इसको जो है मिक्स भी कर देंगे अच्छे तरीके से। तो भाई चलिए जल्दी से इसको डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा नहीं डालूंगा, डायरेक्ट इस जो है फेविक्विक का ढक्कन खोलूंगा और यहाँ से डायरेक्ट डाल दूंगा ताकि हमें जो है जल्दी से रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। डाल दूँ भाई, 3 2 1। ओ भाई क्या हुआ यार, देखो भाई आप देख सकते हैं क्लियरली, बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से आपको जो है एक लेयर बना हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, 1/2 इंच का लगभग से। वही दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कमाल का रिएक्शन किया है। इसको मैं अब मिक्स करके देखता हूँ कि ये दोनों को मिक्स करने से क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर वाला लेयर है दोस्तों ये फेविक्विक का है और जो अंदर वाला लेयर है वो ग्लिसरीन का है। आप क्लियरली बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं इसको मिक्स करूँ तो देखता हूँ कि क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स किया और यहाँ पे बहुत ही कमाल का आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा दोस्तों। जो फेविक्विक है वो नीचे से ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूँ तो वो जैसे ही नीचे जाता है ऑटोमेटिक वो ऊपर आने लगता है और वो देख के जो बहुत ही कमाल का लगता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, भाई जूम कर देना अच्छे से दिखेगा। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का जो है दोस्तों इसका जो दोनों मिक्स होकर रिएक्शन कर रहा है और ये जो फेविक्विक का जो है बुलबुला बन गया है और ये नीचे से ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का आपको जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा जब मैंने जो फेविक्विक को ग्लिसरीन के अंदर मिलाया, तो कुछ इस तरह का आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा हमने जो है ग्लिसरीन और फेविक्विक को मिक्स किया तो कुछ इस प्रकार का हमें जो पदार्थ बना हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये कैसा चीज़ है दोस्तों हमें समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही कमाल का रिएक्ट कर रहा है दोनों मिक्स होके। जैसे कि अगर मैं इसको मिक्स करता हूँ तो जो है नीचे वाला ग्लिसरीन है दोस्तों उसका जो बुलबुला बनता है वो फेविक्विक का भी बन जाता है, कभी कभी ग्लिसरीन का भी बनता है और नीचे से जब वो ऊपर आता है दोस्तों तो बहुत ही कमाल का नज़र आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो दोस्तों ये इफेक्ट है ये बहुत ही कमाल का देखने में लग रहा है। भाई थोड़ा एक बार जूम करो, बहुत ही मस्त नज़ारा है यार, देख सकते हैं दोस्तों आपको क्लियरली जो है लेयर बना हुआ नज़र आ रहा है।
तो भाई आपने देखा, हमने जो है जब ग्लिसरीन में फेविक्विक को मिलाया तो बहुत ही कमाल का रिएक्शन किया दोस्तों, और इस तरह का जो है हमें देखने को मिला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना है, तो आपको फ्यूचर में ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर से बताएं, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ इसी को भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।